सदगुरु रविदास धर्म समाज द्वारा आज सदगुरु रविदास महाराज जी के ज्योति जोत समारोह है। रविदास ये कौम के महान अमर शहीद 108 संत रामानंद महाराज जी की शहादत को समर्पित दूसरा महान संत सम्मेलन लुधियाना के दाना मंडी जंदर बाईपास में धूमधाम से करवाया गया। समारोह में विशेष तौर पर पहुंचे श्री संत निरंजन दास जी महाराज पहुंचे और मौजूद श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर प्रसिद्ध कलाकार के एस मक्खन ने कांशी दी सोहनी धरती नू लख लख वारी प्रणाम मेरा के शब्द से श्रद्धालुओं को मंत्र किया। प्रिंस महमी गुरप्रीत लाली ने गुरु रस गायन कर श्रद्धालुओं को मंत्र मुक्त किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री व पंजाब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजय सांपला, एससी कमीशन के चेयरमैन राजेश बागा, विजय दानव, अवतार सिंह क्रीमपुरी, मेंबर पार्लीमेंट रमनीत सिंह बिट्टू, विधायक बलविंदर सिंह बैंस, विधायक अविनाश चंद्र कलेर, विधायक रणजीत सिंह ढिलो, अकाली दल मालवा जोन 3 के अध्यक्ष तरसेम सिंह बिंडर, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रवीण बांसल, वार्ड प्रधान राजकुमार राजू, पार्षद अश्विनी शर्मा, हिंदू जागृति सेना के प्रवीण डंग, श्री सिद्धपीठ संकट मोचन हनुमान मंदिर के प्रधान अशोक जैन, हमारी आस के ऋषि जैन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। रविदास धर्म समाज लुधियाना वालों अज संत सम्मेलन जिहड़ा गुरु रविदास महाराज जी दे नाले वा जिहड़े भगत ने उन्हां दे संत समाज ते उन्हां दे उपदेशां नूं दसण दे लई अज एक कार्यक्रम रखा गया। मैं जिथे अपने आप मैं करतार कीता है उत्थे परमात्मा गुरु रविदास महाराज के चरणा च अरदास करना कि श्री गुरु रविदास सतगुरु रविदास धर्म समाज के सारे नेतावान जिन्हें भी उन्होंने प्रबंधक कमेटी सारे इन्नी शक्ति दे इस जी गुरु चरणा के नाल पूरे समाज को जोड़ते हुए इस धर्म नाल जोड़ते हुए उन्होंने कर्तव्य समाजिक जिम्मेवार निभा लिया जी जिम्मेवार संदेश देते हैं वो परमात्मा और शक्ति दे। और वेद व्यास जी ने जी महाभारत लिखी है कलम लिखी है और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान लिख के सानू सम्मानता दे दिती है तो कलम ना लिखी है। गुरु रविदास महाराज जी की बाणी अगर गुरु ग्रंथ साहब च अंकित है तो कलम ना अंकित है और वेद कबीर जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी अंकित है वो भी कलम के नाल लिखी गई है। सो भाव साढ़े समाज के साढ़े जिन्हें भी प्रमुख लोग हुए ने उन्होंने सारे ने सानू ज्ञान लेना और ज्ञान वंडन की शिक्षा दी है और साढ़े किसी भी गुरु ने सानू हथियार सोटा डांग चलाने जी वो शिक्षा नहीं दिती और सानू उन्होंने पद जिन्हों के उत्ते ज्ञान हासिल करना भाव शिक्षा लेना और उसका प्रवाह अपने तक नहीं पूरे समाज में देना और देश का नाम उच्चा रोशन करने सानू साडा जिहड़ा योगदान देना चाहिए।